एडिटर इन चीफ जी और जंग ग्रुप मीर शकीलुर रहमान के नैब के हाथों गिरफ्तारी पर सियासी, समाजी, अदालती, सिफारती और सहाफती हलकों की मजम्मत का सिलसिला जारी है। सीनियर वकला और सियासतदानों का कहना है कि नैब जब चाहती थी मीर शकीलुर रहमान को बुला लेती थी, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं था। इस गिरफ्तारी का मकसद आजादाना खबरें देने से रोकना है। अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए और मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहा करना चाहिए। का मालिक को गिरफ्तार किया गया है, हुकूमत की तरफ से एक अच्छा जेस्चर होगा अगर वो हमारा मीडिया को फैसिलिटेट करने की कोशिश करे। मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी दर हकीकत एक इंतकामी सोच के तहत हुआ है। खैर सगाली के जज्बे से आप मीडिया का जो ग्रुप है जिसके इंचार्ज मीर शकीलुर रहमान हैं, उनकी आप जमानत करवाएं। मीर शकीलुर रहमान को तो जो गिरफ्तार किया गया है वो तो वेरिफिकेशन स्टेज पे किया गया है, तो आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था, इसी पे डीसीएल में डालें, आप सब कुछ करें, अरेस्ट होता है मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज में। मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ हुकूमत और नैब का इकदाम सरासर नाइंसाफी है। गुजारिश होगी कि मीर शकीलुर रहमान के साथ साथ तमाम वो सियासी अकाबरीन, पॉलिटिकल वर्कर, उनकी बाइज्जत रिहाई अमल में लाई जाए। हम इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। मीर साहब के खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है, ये पूरी सहाफत के खिलाफ इसका इंतकामी कार्रवाई है। मीर शकील का क्या जुर्म है? वो हर हुक्मरान को चैलेंज करता है, ये जुर्म है। इमरान खान साहब अपने मुखालिफों को बर्दाश्त करना सीखें। ये मीडिया के ऊपर एक हमला है। मीर शकील साहब को गिरफ्तार किया है, हुकूमत ये नहीं बता सकी कि उनका गुनाह क्या है। मीडिया को कंट्रोल करने की बजाय अपने आमाल को ठीक कर ले। मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी जो है बिल्कुल कानूनी और अखलाकी तौर पर गलत समझता हूँ। गिरफ्तारी फिर फौर खत्म की जाए और मीर शकीलुर रहमान को आजाद किया जाए। मीर साहब के साथ जो किया गया है, न सिर्फ उनकी रहाई इमीडिएटली होनी चाहिए बल्कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। मीर शकीलुर रहमान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये हकीकत जब केस नहीं बनेगा तो जब भी नैब किसी आदमी को अरेस्ट करेगी तो वो अगवा के डेफिनेशन में आएगा। जो मीडिया की आजादी है आप उसको कर्टेल करना चाहते हैं। आला अदलिया जो है वो इंटरवीन करे और इनकी बेल तो फिल फोर होनी चाहिए। जब किसी आवाज को दबाना हो, किसी को अपने साथ में लाना हो, तो इस तरह के कानून का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है और अब तो जब से नैब का कानून बना है वो शायद इसीलिए इस्तेमाल होता है। ये एक इंतकामी तरीका है। आजादी सहाफत के ऊपर ये इतना बड़ा हमला है, इतना बड़ा हमला है कि इसकी तलाफी चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा देकर भी नहीं कर सकते। मैं जनाब मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि चेयरमैन नैब को कंप्लीट वेरिफिकेशन की स्टेज पे ये गिरफ्तारी नहीं ऑर्डर करनी चाहिए थी।